92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा, और अब मैं आपको सुनाने जा रहा हूं संकेत शर्मा की लिखी कहानी आई लव यू इन फ्रेंच, बिना किसी एड ब्रेक के। अरे भाई, अपना पीयूष कोई मंगल ग्रह से थोड़ी ना आया था, वो भी आपकी मेरी तरह इसी धरती ग्रह से था, इसलिए कॉलेज में पहले दिन उसको प्यार हो जाना कोई बीमारी नहीं थी, ये होना तो स्वाभाविक था। पीयूष ने यार्ड शहर के डिग्री कॉलेज में दाखिला लिया था और उसने भी उसी कॉलेज में दाखिला लिया था, उसने यानी कन्या ने। दाखिले के पहले दिन ही पीयूष और इस कन्या की मुलाकात हो गई। पीयूष अपना एडमिशन फॉर्म जमा कराने वाली लाइन में खड़ा था। दूसरे लड़कों के विपरीत पीयूष ने आठवीं कक्षा में ही सोच लिया था कि उसको कॉलेज में फाइन आर्ट्स लेना है, उसके बाद किसी महानगर में फाइन आर्ट्स में ही मास्टर्स करना है और अंततः किसी बहुत बड़े पेंटर के साथ जुड़ना है। पीयूष ने अपने एडमिशन फॉर्म में भी फाइन आर्ट्स ही भरा था। उसके पीछे उसका पक्का दोस्त मोंटू खड़ा था और मोंटू का एडमिशन फॉर्म खाली था, क्योंकि कॉलेज में जिस विषय में सीट्स पूरी नहीं भरी जाएंगी वही विषय अपने बुद्धू मोंटू को मिलने थे। थोड़ी देर में पीयूष का फॉर्म तो जमा हो गया, पर मोंटू अभी भी कतार में था। घूमते घूमते पीयूष कॉलेज का नोटिस बोर्ड पढ़ने लग गया कि अचानक पीछे से एक लड़की की आवाज आई, एक्सक्यूज मी, ये फ्रेंच डिपार्टमेंट की तरह। बेचारा पीयूष नहीं जानता था कि सात शब्दों से मिलकर बना ये वाक्य एक्सक्यूज मी, ये फ्रेंच डिपार्टमेंट की तरह उसकी जिंदगी बदलने वाला था। उस लड़की को एक नजर देखते ही पीयूष ख्वाबों में उसके साथ पेरिस पहुंच गया था। उसने तो उसको आईफिल टावर पे प्रपोज भी कर दिया था। पीयूष को फ्रेंच भाषा में सिर्फ एक लाइन आती थी, रितेम द तू मौका, जिसका मतलब था कि मैं तुमको दिलो जान से प्यार करता हूं, और यही लाइन पीयूष उस लड़की को बोल देना चाहता था। लेकिन उसने सोचा कि अभी तो ये फ्रेंच डिपार्टमेंट ढूंढ ही रही है, अभी तो शायद ये फ्रेंच में दाखिला लेगी, अभी तो शायद इसको फ्रेंच आती नहीं, तो अपनी एक बहुमूल्य लाइन बर्बाद क्यों की जाए। ख्यालों में खोए पीयूष को पता भी न चला कि अपने सवाल का जवाब न मिलने के कारण वो लड़की कब की वहां से चली गई थी। आज इस घटना को 10 दिन, जी हाँ पूरे 10 दिन बीत चुके हैं, और इन 10 दिनों में पीयूष ने कॉलेज में नई उपलब्धियां हासिल कर ली हैं, जिसमें सबसे बड़ी उपलब्धि है उस लड़की का नाम पता हासिल करना। जी हाँ, फ्रेंच सीखने वाली, पीयूष के दिल में बसने वाली, एक्सक्यूज मी ये फ्रेंच डिपार्टमेंट किधर है कहने वाली उस लड़की का नाम था वंशिका। लेकिन इतने दिनों में उसको छुप छुप के देखने और पूरी योजना के साथ सीढ़ियों में अचानक मिलने के नाटक से पीयूष तंग आ चुका था। वो आज कॉलेज गेट पर सुबह से खड़ा था और उसने सोच लिया था कि आज वो अपनी एक बहुमूल्य लाइन श्रितम दत्तु मक वंशिका को बोल के ही रहेगा। आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा, सिर्फ 92.7 बिग एफएम। पीयूष उस दिन वंशिका को अपने इश्क का इजहार फ्रेंच में कर देता अगर मोंटू ना आया होता। मोंटू ने उसको समझाया कि लड़की की हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी और फिजिक्स, केमिस्ट्री जाने बिना उसको ऐसे ही प्रपोज करोगे तो चाहकर भी हाँ नहीं करेगी। सोचो, तुम अगर उस लड़की को एक दिन गेट पे प्रपोज करते और वो ना कर देती, और कहीं अगर तुम्हें डांट के वो तुम्हारे थोबड़े पे रेप्टर जड़ देती, तो कॉलेज की कोई भी लड़की तुम्हें भाई तक ना बनाती। तो मैं क्या करूं यार मोंटू, कैंटीन में बैठा पीयूष बोला। स्पेंड टाइम विद वंशिका, मोंटू को इंग्लिश में बोलता देख के सब हैरान थे। फिर हिंदी में बोलते हुए मोंटू ने कहा, वक्त बिताओ वंशिका के साथ, जितना ज्यादा तुम एक साथ रहोगे उतनी जल्दी करीब आओगे। प्यार का अमूल्य ज्ञान पीयूष को देकर मोंटू वहां से चला गया। मोंटू ने अपने मित्र को दिल के उस बटन की जगह बता दी थी जो प्यार के दरवाजे खोल देता है। वंशिका के साथ ज्यादा से ज्यादा वक्त कैसे बिताना है, प्यार में पड़े पीयूष ने यह बटन दबा दिया था। अब तो बस उसको अपनी प्रतिक्रिया अपने पिताजी को सुनानी थी। जब दिल ही टूट गया। पीयूष के वकील पिताजी अपनी दिनचर्या के अनुसार रात के खाने के बाद ड्राइंग रूम में रेडियो सुन रहे थे। सहमे कदमों से पीयूष ड्राइंग रूम में घुसा और बोला, पिताजी आपसे कुछ जरूरी बात करनी है।
रेडियो को धीमा करके पीयूष के पिताजी बोले, क्या बात है? पिताजी, जमाना बदल रहा है, आपको पता ही है, और जो इंसान जमाने के साथ नहीं चलता वो पीछे रह जाता है, ये भी आपको पता ही होगा। सीधे सीधे बोलो, बात क्या है? पीयूष के पिताजी थोड़ा चिढ़ के बोले। पीयूष ने गहरी सांस ली और बोला, पिताजी, जिंदगी में आप कई बार ऐसे सवालों से घिर जाते हैं जिनका जवाब आप ही को खुद ढूंढना होता है। मैं भी एक ऐसे ही मुश्किल सवाल से घिर गया था और मैंने खुद ही उसका जवाब ढूंढ लिया, और इस सवाल का जवाब है कि मुझे फ्रेंच लेनी है, फाइन आर्ट्स नहीं पढ़ना है। क्यों, तुम तो बचपन से पेंटर बनना चाहते थे? पीयूष के पिताजी ने पूछा। पिताजी, बचपन में तो सब नासमझ होते हैं, कॉलेज आके, बल्कि कॉलेज के पहले दिन ही मुझे अकल आ गई कि फ्रेंच भाषा मेरा कल का भविष्य है। पीयूष, अच्छी बात है तुम नई भाषा सीखना चाहते हो, पर इसके लिए अपने विषय क्यों छोड़ रहे हो? भाषा तो कभी भी सीख लेना, और याचर में भी तो फ्रेंच सिखाने के इंस्टीट्यूट है। पर पिताजी, मुझको कॉलेज में ही फ्रेंच सीखनी है। ठीक है, सीख लो फ्रेंच, पर क्या करोगे उसके बाद? पीयूष के पिताजी थोड़ा गुस्से में बोले। पिताजी, आप क्या जानते हैं कि फ्रेंच सबसे ज्यादा बोली जाने वाली विदेशी भाषा है? क्या आप जानते हैं कि फ्रांस दुनिया की कितनी बड़ी अर्थव्यवस्था है? क्या आप जानते हैं कि पेरिस से बड़ा फैशन बाजार इस ब्रह्मांड में नहीं है? क्या तुम जानते हो कि अगर मैं कुर्सी से उठ गया तो तुम्हारे मुंह पर थप्पड़ मार दूंगा? बात बनती न देख के पीयूष ने सुबकना शुरू कर दिया। ये कला भी उसके परम मित्र मोंटू ने ही सिखाई थी। वो रुआंसे गले से बोला, ठीक है पिताजी, कल को मत कहना कि फाइन आर्ट्स में फेल होके मैंने आपका नाम खराब कर दिया। पीयूष को रोता देख उसके पिताजी ने हार मान ली। पीयूष के लिए फ्रेंच डिपार्टमेंट के, मोहब्बत के दरवाजे खुल चुके थे। आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पे। कॉलेज के प्रिंसिपल पीयूष के पिताजी के दोस्त थे, इसलिए दाखिले के इतने दिनों बाद भी विषय बदलवाने में ज्यादा परेशानी नहीं हुई। और आज वो शुभ घड़ी आ ही गई थी जब पीयूष का दाखिला फ्रेंच डिपार्टमेंट में हो गया था। पीयूष आज इतना खुश था कि खुशी के मारे उसने अपने साथ साथ मोंटू का कैंटीन का उधार भी चुका दिया था। लड़की के चक्कर में भूल ना जाइयो यार को, मोंटू ने पीयूष को छेड़ते हुए कहा। यार मोंटू, मैं नर्वस हो रहा हूं, पीयूष बोला। अभी से नर्वस हो रहा है? अभी तो तेरे को फ्रेंच किस भी सीखना है। मोंटू से प्यार के नुस्खे सीखने के बाद पीयूष सीधा फ्रेंच डिपार्टमेंट के दरवाजे के बाहर पहुंच गया। अरे पूरी दुनिया के लिए होगा ये फ्रेंच डिपार्टमेंट का दरवाजा, पीयूष के लिए तो ये मोहब्बत का दरवाजा था जो बस खुलने ही वाला था। इस दरवाजे के परे एक अलग ही दुनिया, एक खूबसूरत सी दुनिया फ्रांसीसी शब्दों में और वंशिका के मीठे मीठे बोलों में लिपटी एक दुनिया उसका इंतजार कर रही थी। वो दुनिया जिसके लिए पीयूष ने फाइन आर्ट्स को तिलांजलि दे दी थी। इस दरवाजे के उस तरफ जो दुनिया थी उसका नाम था पीयूष और वंशिका की दुनिया। पीयूष ने माथे से पसीना पोंछा और आहिस्ता से क्लास का दरवाजा खोला। पूरी क्लास खाली थी। पीयूष हैरान था क्योंकि क्लास शुरू हुए तो 10 मिनट हो चुके थे। कहीं और तो नहीं लग रही है क्लास? पीयूष जैसे ही सोचता हुआ बाहर निकला, सामने से चश्मा लगाए प्रोफेसर टाइप एक शख्स आ रहे थे जो सीधा उसी कक्षा में घुस गए जहां से पीयूष निकला था। वो दोबारा क्लास में घुसा और पूछा, सर फ्रेंच क्लास यहीं लगती है? प्रोफेसर साहब ने नाक पर गिरा चश्मा उठाया और कुछ देर पीयूष को घूरा। न्यू एडमिशन सर, पीयूष बोला। आइए बैठिए, प्रोफेसर साहब बोले। पीयूष का दिल कर रहा था कि प्रोफेसर साहब से ही पूछ ले कि वंशिका अब तक क्यों नहीं आई, लेकिन प्रोफेसर साहब तो अपने ही रजिस्टर में उलझे थे। पूरा पीरियड ऐसा ही बीत गया। पीयूष को पहला दिन बड़ा अजीब लगा। प्रोफेसर और खाली क्लासरूम से ज्यादा वंशिका का ना आना अजीब लग रहा था। यार पक्का उसका बॉयफ्रेंड है, तभी नहीं आई वो। अब तक कुंठित हो चुका पीयूष कैंटीन में बैठे बैठे मोंटू से बोला। फिर तो पूरी क्लास का बॉयफ्रेंड होगा, क्योंकि पूरी क्लास ही नहीं आई थी आज तो। मोंटू ने जामवंत बन के पीयूष को उसकी शक्ति का स्मरण कराया। लेकिन मोंटू की इस बात के बाद भी पीयूष वंशिका क्यों नहीं आई, इस बात के अनुमान लगाता रहा। जब पीयूष के अनुमानों की संख्या मोंटू के 12वीं के नंबरों से भी ज्यादा बढ़ गई तो फिर वो बोला, कोई नहीं आया था क्लास में, इसका मतलब मास बंक था।
मास बंक करके किसी के साथ फिल्म तो नहीं देखने गई होगी? चाय के ग्लास को घुमाता हुआ पीयूष बोला। मांटू को यकीन हो गया था कि उसका पीयूष 100% प्यार में पड़ चुका है। वो रात तो पीयूष ने जैसे तैसे तारे वारे गिन के चांद वान देख के काट ली, पर अगले दिन उसकी अग्नि परीक्षा थी, क्योंकि आज भी फ्रेंच क्लास में सिर्फ 4 विद्यार्थी आए थे और वंशिका आज भी नहीं आई थी। पीयूष के मोहब्बत के दरवाजे में खुलने के कुछ देर बाद ही दीमक लग गई थी। आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा, सिर्फ 92.7 बिग एफएम। आज फ्रेंच क्लास का 6 दिन था और वंशिका का अब भी कोई अता पता नहीं था। दूसरी तरफ पीयूष अपनी फ्रेंच क्लास से पूरी तरह परेशान हो चुका था। उसने अपने पिताजी को वादा किया था कि वो फ्रेंच में अच्छे नंबरों से पास होगा, लेकिन फ्रेंच तो उसको तब समझ आती ना जब फ्रेंच डिपार्टमेंट में फ्रेंच पढ़ाई जाती। प्रोफेसर साहब हिंदी में फ्रेंच पढ़ाते थे। इतने दिनों में उन्होंने फ्रेंच की सिर्फ 2 चीजें सिखाई थी, एक बोंजूर जिसका मतलब था हेलो, और कोमेंट अलेवू जिसका मतलब था हाउ आर यू। प्रोफेसर साहब का फ्रेंच हिंदी में पढ़ाना ही सिर्फ समस्या नहीं थी, समस्या प्रोफेसर साहब भी थे। गुरुजनों का सम्मान एक तरफ, लेकिन फ्रेंच के प्रोफेसर साहब हमेशा नेगेटिव बातें ही किया करते थे। 45 मिनट के लेक्चर में वो 2 बार कम से कम ये बात जरूर बोलते, किसने कहा था तुम लोग को फ्रेंच लेने को, यही प्रॉब्लम है आज के यूथ की। सोचा न समझा फैसला ले लिया, अरे पता है कितनी मुश्किल भाषा है फ्रेंच, देख लेना सब के सब फेल हो जाओगे, अपनी जिंदगी तो खराब ही करोगे, मेरा रिकॉर्ड भी खराब करोगे। एक दिन हिम्मत करके पीयूष ने क्लास में बैठे 3 विद्यार्थियों को गंभीरता से कहा, तुम्हें नहीं लगता फ्रेंच डिपार्टमेंट की ऐसी हालत की बात हमें प्रिंसिपल साहब से करनी चाहिए? पीयूष की ये गंभीर बात सुनकर वो तीनों और गंभीर हो गए, बोले, क्या बात कर रहे हो, ये फ्रेंच डिपार्टमेंट है? उस दिन के बाद वो तीनों कभी फ्रेंच क्लास में नहीं दिखे। वैसे भी जिस वंशिका के लिए पीयूष फ्रेंच डिपार्टमेंट में आया था वो तो उस दिन से कॉलेज में दिखी ही नहीं थी। एक दिन पीयूष ने चोरी से अटेंडेंस रजिस्टर देखा, उसमें वंशिका का नाम तो था पर सिर्फ 3 दिन की हाजिरी लगी हुई थी। पीयूष धीरे धीरे नकली देवदास बन रहा था। नकली देवदास और असली देवदास में सब कुछ समान होता है, उनके जज्बात समान होते हैं, उनका रोना धोना समान होता है, पिता से उनका झगड़ा समान होता है। जो अलग होता है वो ये कि असली देवदास दिन भर मदिरा पान करता है और नकली देवदास पीयूष की तरह कॉलेज कैंटीन में बैठ के अपनी प्रेमिका की याद में चाय के कप पे कप पीता है। तेरा भाई अभी जिंदा है, ये नकली चुन्नी बाबू यानी मोंटू की आवाज थी जो अपने दोस्त को एक लड़की के लिए ऐसे चाय पत्ती में घुलते नहीं देख सकता था। कल शाम तक तेरा भाई वंशिका का मोबाइल नंबर और घर का पता तेरे हाथ में ला के रख देगा, देखना, मोंटू ने पीयूष को यकीन दिलाया। उससे क्या होगा, बैड मैनर्स दिखाते हुए सुड़ सुड़ करके चाय पीते हुए पीयूष ने पूछा। पहले फोन करेंगे, अगर उसने फोन नहीं उठाया तो स्कूटर उठा के उसके घर चलेंगे, और अगर वो घर पे भी नहीं मिली तो, पीयूष उतरे हुए चेहरे से बोला, तो इसका मतलब हम गलत घर में चले गए हैं? पीयूष को हंसाने की मोंटू की एक घटिया कोशिश नाकामयाब रही। पीयूष ने मोंटू को घूरा और फिर से चाय की प्याली को होंठों से लगा के नकली देवदास बन गया। आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा, सिर्फ 92.7 बिग एफएम। पीयूष को अपने बेस्ट फ्रेंड मोंटू पे कई बार कई कई किस्म का शक हुआ था, लेकिन इस बार उसको एक नया शक होने लगा था कि कहीं उसका दोस्त मोंटू पुलिस वाला तो नहीं है, क्योंकि अगली शाम के पहले ही वो वंशिका का मोबाइल नंबर, उसका लैंडलाइन नंबर और उसके घर का पता भी ले आया था। तो क्रम के अनुसार पहले वंशिका का मोबाइल नंबर डायल किया गया, वंशिका ने उठाया नहीं। क्रम के अनुसार दोबारा वंशिका का नंबर डायल किया गया, वंशिका ने फिर नहीं उठाया। क्रम के अनुसार तीसरी बार क्रम की लिस्ट ही फाड़ दी गई और अनेकों बार वंशिका का मोबाइल नंबर डायल किया गया और अनेकों बार वंशिका ने उठाया नहीं। लैंडलाइन ट्राई करना, स्टील के ग्लास से चाय पीता हुआ पीयूष बोला। लैंडलाइन घर में कोई और भी उठा सकता है पीयूष, बावला मत बन, मोंटू ने समझाया। अगर यही डर था तो लैंडलाइन नंबर पता ही क्यों कराया तूने यार, फ्री मिल रहा था मोबाइल नंबर के साथ, मोंटू गुस्से में बोला।
बड़ी मुश्किल से चाय का ग्लास छुड़वा के मोंटू ने पीयूष को अपने हरे रंग के बिना स्टेपनी वाले स्कूटर के नीचे बिठाया और निकल पड़ा यार शहर की बड़ी गली के लिए। इसी बड़ी गली में छठा मकान वंशिका का था। मोंटू ने बड़ी गली के बाहर स्कूटर रोका और पीयूष को समझाया, देखो हौच पौच बिल्कुल ना मचाना, अगर तुमको वंशिका दिख भी जाए तो होली मत खेलने लग जाना, चुपचाप बैठे रहना और मेरे निर्देशों का पालन करना। जी कैप्टन साहब, कहते हुए पीयूष ने मोंटू को सैल्यूट मारा। मोंटू ने किक मारी और अगले ही पल पीयूष अपनी मोहब्बत के किले में घुस गया था। एक चक्कर, दो चक्कर, तीन चक्कर, चौथे चक्कर तक घरों के बाहर बैठी महिलाओं ने मोंटू पीयूष को शक भरी निगाहों से देखना शुरू कर दिया था। लेकिन स्कूटर के पांचवें चक्कर ने पीयूष की मन्नत पूरी कर दी। जैसे ही स्कूटर वंशिका के घर के पास पहुंचा, वंशिका बाहर आती दिखी। मोंटू ऐसे गली में दिलों के मामलों का एक्सपर्ट था, इसलिए तुरंत ब्रेक मार के बोला, यार ये खटारा कितना खराब हो गया। पीयूष को यूं अपने घर के बाहर देख के वंशिका हैरान थी। अड़ोस पड़ोस वालों ने भी छत से नीचे झांकना शुरू कर दिया था। बोंजूर वंशिका, पीयूष ने फ्रेंच में वंशिका को हेलो बोला। हालांकि वंशिका पीयूष का नाम नहीं जानती थी, लेकिन बाय फेस तो पहचानती थी। अब तक हैरान वंशिका की आंखें गुस्से से लाल होकर पीयूष को घूर रही थीं। मेरे घर का पता कैसे चला तुम्हें? पीयूष ने नजर घुमा के मोंटू की तरफ देखा, जो अभी तक स्कूटर को टेढ़ा मेढ़ा करके भला बुरा कह रहा था। छत से झांकने वालों की संख्या बढ़ती जा रही थी और मोंटू गली और दिलों के मामलों का एक्सपर्ट था, तो उसको लगा कि यहां से निकलने में ही भलाई है। मोंटू ने पीयूष की तरफ देखा। पीयूष अभी भी वंशिका के गुस्से का शिकार हो रहा था। कितने बदतमीज हो तुम, मेरे घर आ गए हो अपने आवारा दोस्त के साथ, चले जाओ वरना पापा से बोल दूंगी। छतों से लोग नीचे उतर आए थे। पीयूष भाई जल्दी निकल, पूरी तरह डर चुका मोंटू बोला। मोंटू ने सीधा चौथे गियर में स्कूटर डाल के भगा लिया। पीछे बैठा पीयूष पूरे रास्ते एक ही बात बोलता रहा, भाई मोंटू मुझको दोबारा मिलना है वंशिका से, मोंटू भाई मुझको दोबारा मिलना है वंशिका से, मोंटू भाई मुझे दोबारा मिलना है वंशिका से। आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पे। अगले दिन पीयूष जल्दी कॉलेज पहुंच गया। उसने अपनी जिंदगी के इस दिन को जजमेंट डे का नाम दिया था, क्योंकि आज के दिन वो अपने जीवन का एक बहुत महत्वपूर्ण काम करने वाला था। नंबर वन, उसे सबसे पहले वंशिका को ढूंढना था। नंबर टू, उसको अपने व्यवहार के लिए वंशिका से माफी मांगनी थी। नंबर थ्री, उसको वंशिका को प्रपोज करना था। लेकिन वंशिका तो इतने दिन से कॉलेज आ ही नहीं रही थी और वंशिका के घर के बाहर का वार्तालाप भी थोड़ा एक तरफा था। उदास मन से पीयूष कैंटीन में चला गया, फिर से चाय की पत्ती में घुलने। चाय पीते पीते पीयूष कैंटीन की टेबल पर सर रख के सो गया। शायद पिछली रात भी उसने तारे वारे गिन के और चांद शांद देख के बताई होगी। पीयूष इतनी देर से फोन बज रहा है, उठा क्यों नहीं रहा? मोंटू ने सोते हुए पीयूष को जगाया। अरे वंशिका आई है कॉलेज में। मोंटू की यह बात सुनकर पीयूष ऐसे झट से खड़ा हुआ मानो सालों की नींद पूरी करके उठा हो। हाथों में कागजों का ढेर लिए वंशिका स्टूडेंट्स यूनियन के दफ्तर के बाहर खड़ी थी। पीयूष को आता देख वंशिका ने मुंह फेर लिया, लेकिन पीयूष को बिना डर के आज बहुत कुछ कहना था। सोचता घबराता पीयूष वंशिका के पास जाके खड़ा हो गया। वंशिका, मेरा नाम पीयूष है, तुमने मुझसे पहले दिन फ्रेंच डिपार्टमेंट का रास्ता पूछा था, तुमने आते जाते तो मुझको देखा ही होगा कॉलेज में, अगर ना देखा हो तो कल मैं तुम्हारे घर ही आया था, तब तो तुमने मुझको देख ही लिया होगा। मैं भी फ्रेंच का स्टूडेंट हूँ, तुम आ नहीं रही थी क्लास में, इसलिए मैं थोड़ा परेशान हो गया था। पीयूष एक सांस में सब बोल गया मानो घर से मोहब्बत का रट्टा मार के आया हो। वंशिका पीयूष को अनदेखा करके दूसरी तरफ मुंह फेरे खड़ी थी। वंशिका, je suis désolé, पीयूष बोला। अब ये क्या बदतमीजी है? वंशिका गुस्से में चिल्लाई। अरे बदतमीजी नहीं, फ्रेंच में आई एम सॉरी है। वंशिका, मैं दिल से तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ, हम कभी मिले नहीं, पर मैं, कहता हुआ पीयूष रुक गया। उसे लगा अभी मामला ठंडा नहीं हुआ है और ये प्रपोज करने का सही वक्त नहीं है। तो पीयूष ने दोबारा शुरू किया, वंशिका मैं दिल से तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ,
पता नहीं मुझको क्या हो गया था, मैं बस तुम्हारे लिए थोड़ा चिंतित था कि तुम आ नहीं रही हो कॉलेज में। मुझे लगा कि कहीं बीमार ना हो गई हो, मैं तो बस हाल चाल पूछने आ गया। प्रेम, सहानुभूति और माफी से ओत प्रोत पीयूष के इतने लंबे व्याख्यान का भी वंशिका पर कोई असर होते दिख नहीं रहा था। वो अभी भी पीयूष से पहले जितनी दूर मुंह फेरे खड़ी थी। अपनी कोशिशों में असफल पीयूष की नजर अब जाके वंशिका के हाथों के कागजों पे गई। वंशिका, कोई पेपर वर्क है जिसमें मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ? हर समझदार लड़की की तरह वंशिका को लगने लगा कि पीयूष अब चिपकू हो रहा है और इसे यहां से भगाना जरूरी है। उसने पीयूष की तरफ मुंह किया और धैर्य के साथ बोली, पीयूष प्लीज यहां से चले जाओ, वैसे भी आज मेरा आखिरी दिन है कॉलेज में, मैं कोई हंगामा नहीं चाहती हूं। आखिरी दिन? ये शब्द सुन के तो खड़े खड़े पीयूष का वजन आधा हो गया। कहीं वंशिका दोबारा गलती से आखिरी दिन बोल देती तो पीयूष शायद गायब भी हो जाता। आखिरी दिन मतलब? पीयूष ने पूछा। मेरा दिल्ली नॉर्थ कैंपस में दाखिला हो गया, मैं वहीं जा रही हूं, अब तुम भी प्लीज यहां से चले जाओ। इतने में छात्र संघ का दफ्तर खुल चुका था और वंशिका अंदर चली गई। छात्र संघ वाले वंशिका के पेपर वर्क में उसकी मदद कर रहे थे। काफी देर वहीं स्तब्ध रहने के बाद पीयूष उस दिन 4 मील दूर अपने घर पैदल गया। वंशिका तो चली गई थी और प्यार में हारने के बाद अब उसको अपनी एक और प्रतिक्रिया अपने पिताजी को सुनानी थी। आखिर उसके दिल में न जाने कहां कोई और बटन जो दब गया था। शाम को पीयूष के पिताजी घर आ गए थे, खाना खा चुके थे और आदतन ड्राइंग रूम में रेडियो सुन रहे थे। ड्राइंग रूम में पहले से मौजूद पीयूष बोला, पापा एक जरूरी बात है। उन्होंने पीयूष को बिना देखे कहा, बोलो। पिताजी, जमाना बदल रहा है ये तो आपको पता ही होगा, लेकिन कुछ चीजें वैसे ही रहनी चाहिए जैसी वो होती हैं। पीयूष के पिताजी ने नजर उठा के उसको देखा। हिम्मत इकट्ठी करके पीयूष बोला, पिताजी मुझको फ्रेंच नहीं पढ़नी, मुझको फिर से फाइन आर्ट्स लेनी है। बस इतनी सी थी कहानी।